नमस्कार, मैं पीयूष राणा एसडी इंटर कॉलेज सहारनपुर से अर्थशास्त्र के कक्षा 11 के टॉपिक जीएसटी पर वीडियो प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, जीएसटी को समझने से पहले हमको समझना होगा कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। देखिए, वे कर जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी आमदनी से लिए जाते हैं उनको प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स आदि। जबकि वे कर जो प्रत्यक्ष रूप से हमसे नहीं लिए जाते, जब हम कोई वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं तो हमको देने होते हैं, तो ऐसे करों को अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट इत्यादि। तो ये जो अप्रत्यक्ष कर थे ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम क्रिएट करते थे, क्योंकि इसमें हमारा वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इतने सारे अलग अलग कर होते थे। तो इस कारणवश जुलाई 1, 2017 को भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन जो अप्रत्यक्ष कर हैं इनको समाप्त किया जाए और इनकी जगह गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी लाया जाए। नाम से ही क्लियर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वह कर जो गुड्स अर्थात उत्पाद व सर्विसेज अर्थात सेवाओं पर लगता है। उत्पाद हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमारा कोई पेन है, पेंसिल है, ये उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। और सर्विसेज जैसे हमारी एयरलाइन सर्विसेज हो गई या हमारे टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, ये सर्विसेज की श्रेणी में आती हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करके जीएसटी के रिजीम में लाया गया। इसको एक राष्ट्र और एक टैक्स के नाम से भी जाना गया, क्योंकि इस टैक्स ने समस्त भारतवर्ष में टैक्स सिस्टम को एक रूपता प्रदान की। तो इसका लाभ यही था कि हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसमें यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो ये हमारा जीएसटी का इंट्रोडक्शन था। अब कुछ हमारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो जीएसटी के बारे में काफी रोचक हैं। जीएसटी 160 से भी अधिक देशों में लागू है। फ्रांस ऐसा पहला देश था जिसने अपने यहाँ पे जीएसटी को लागू किया। अब यदि हम अपने देश भारतवर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्यूअल जीएसटी मॉडल जो है वो लागू है, अर्थात इसमें जीएसटी के दो कंपोनेंट होते हैं, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। ऐसा भारत के अलावा कनाडा और ब्राजील में भी है। पहला असम वह राज्य था जिसने अपने यहाँ पे जीएसटी को लागू किया। अब जीएसटी में आगे बढ़ने से पूर्व हमको यह जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। देखिए, जीएसटी चार प्रकार का होता है, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी और आईजीएसटी यानी आपका जो है जो इंटर स्टेट जीएसटी में लगता है, जिसको हम कई बार गंतव्य जीएसटी भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो देखिए, सबसे पहले हम एसजीएसटी और सीजीएसटी पर आते हैं। सपोज करते हैं हमारा कोई उत्पाद है, कोई पेन है जिसकी कीमत 100 रुपए है और उसका उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है और उस पर 18% जीएसटी लगता है। तो इस 18% जीएसटी में 9% स्टेट जीएसटी होगा जो यूपी गवर्नमेंट को जाएगा और 9% सीजीएसटी होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब यदि यही पेन हमारा किसी यूनियन टेरिटरी में इसका उत्पादन हो, जैसे कि पांडिचेरी हो गया, तो ऐसे स्थिति में इसमें एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लग जाएगा। दोबारा से जो 18% होगा उसमें से 9% जो होगा वो सीजीएसटी होगा और 9% जो होगा वो यूटीजीएसटी होगा। तो ये हमारा यूनियन टेरिटरी जीएसटी है यानी कि यूटीजीएसटी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। देखिए, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है।
सपोज करते हैं हमारा कोई पेन है जिसका उत्पादन गुजरात में होता है और उस पेन की बिक्री उत्तर प्रदेश में होती है, तो ऐसी स्थिति में उस पेन पर 18% यदि जीएसटी लग रहा है तो वह 18% जो है वो आईजीएसटी होगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी होगा। अब क्या होगा, 100 रुपए का पेन है और उस पर 18% आईजीएसटी लग गया। अब ये जो आईजीएसटी है ये सबसे पहले टोटल जो है पूरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिसीव करने के बाद इसमें से जो कुछ पोर्शन है, कुछ जो है इसका पार्ट है, वो उत्तर प्रदेश को दे देगी, यानी कि उस राज्य को दे देगी जहां पे जाके जो सामान है वो बिक रहा है। तो इस वजह से इसको गंतव्य जीएसटी भी कहा जाता है, क्योंकि सामान का गंतव्य जहां होता है टैक्स का लाभ उसी को होता है। तो ये जो आईजीएसटी है इसका जो कंसेप्ट है ये दोनों ही प्रदेशों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। कैसे, क्योंकि गुजरात है वहां पर जहां उत्पादन बढ़ रहा है, वहां की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, और उत्तर प्रदेश दूसरी ओर है जहां पे जाके पेन की बिक्री हो रही है वहां को टैक्स लाभ होगा। तो इसलिए आईजीएसटी का कंसेप्ट भी हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए एक अच्छा कंसेप्ट है। तो यहां पर हम लोगों ने चर्चा की कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें कि जीएसटी कहां कहां लागू होता है, देखिए जीएसटी वहां लागू होता है यदि किसी व्यापारी का एक वर्ष में टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है। सरकार ने इसको बढ़ाकर कई राज्यों में यह सीमा 40 लाख रुपए भी कर दी है। दूसरा, जीएसटी वहां लागू होता है जब आप अपने माल या सेवाओं की जो आपूर्ति है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में करते हैं, वहां पर भी जीएसटी अवश्य ही लागू होता है। तीसरा, जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं जैसे होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको भी जीएसटी देना अवश्य पड़ता है। चौथा, जो अनिवासी भारतीय हैं, जो किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हैं लेकिन भारत में अपना व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी जो है जीएसटी अवश्य देना पड़ता है। इसके बाद में जैसे हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, इनको भी जीएसटी देना पड़ता है। और जो दुकानदार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा अपना व्यापार कर रहे हैं, जो दुकानदार फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको भी जीएसटी निश्चित रूप से देना पड़ता है। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो जीएसटी है वह कहां कहां लागू होता है। तो चलिए अब जीएसटी का हमको पता चल गया कहां कहां लागू होता है, अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं GSTIN नंबर के बारे में, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को जीएसटी पे करना होता है उसके पास GSTIN नंबर होना अनिवार्य है। देखिए GSTIN नंबर एक 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, तो उसमें जो फर्स्ट के 2 डिजिट्स हैं वो दर्शाते हैं कि आपका जो व्यापार है वो किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, तो या अन्य किसी प्रदेश में है। तो पहले 2 डिजिट के द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त करती है। उसके बाद के जो नेक्स्ट 10 डिजिट्स हैं वे जो है वो पैन कार्ड के नंबर को दर्शाते हैं। जिस व्यक्ति ने GSTIN नंबर के लिए रजिस्टर किया है उसका पैन कार्ड नेक्स्ट 10 डिजिट्स के माध्यम से प्रदर्शित होता है। उसके बाद जो है हमारा 13वां डिजिट जो होता है वह यह दर्शाता है कि जो हमारी फर्म है वो कितने नंबर ऑफ फर्म्स एक पैन कार्ड के द्वारा रजिस्टर हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे हमारा जो 13वां नंबर है वो 2 है, तो इससे हमें पता चलता है एक पैन कार्ड के नाम पर 2 फर्म रजिस्टर हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डिजिट होती है वो डिफॉल्ट डिजिट होती है और Z होती है, और नेक्स्ट उसके बाद जो है एक नंबर अवश्य इसमें उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हमारा GSTIN नंबर बनता है। इसके बाद यदि हम बात करें, भाई GSTIN नंबर के बारे में तो हमको पता चल गया, लेकिन ये GSTIN नंबर कैसे प्राप्त करें, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो हमारे पास निम्न डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए,
हमारे बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए हमारे घर का, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए या चेक बुक होनी चाहिए जिसमें कैंसिल चेक जमा कराने की आवश्यकता होती है, हमारे पास फोटो होना चाहिए, हमारे पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और हमारे पास मेल आईडी होनी चाहिए जिससे संपर्क किया जा सके। अब हमें GSTIN नंबर कैसे प्राप्त करना है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो है, जिस व्यक्ति को GSTIN नंबर प्राप्त करना है उसको www.gst.gov.in पर जाना होता है। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो उपरोक्त डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अपलोड करने पड़ते हैं। उसके बाद 3 से 4 दिनों के अंदर आपको GSTIN नंबर प्राप्त हो जाता है यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो जो अधिकारी हैं वो आपसे कहते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट में कमी है, आप इसको दोबारा से हमको प्रदान कीजिए। जब आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से सही तरीके से उनके पास पहुंच जाते हैं तो 7 दिनों के अंदर आपको जो है GSTIN नंबर मिल जाता है। तो ये GSTIN नंबर प्राप्त करने की हमारी प्रक्रिया होती है। इसके बाद अब हम इन चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमने GSTIN नंबर प्राप्त तो कर लिया पर इसके क्या लाभ हैं, इससे हमें क्या फायदा है। तो देखिए, GSTIN नंबर प्राप्त करने के हमको बहुत ही अधिक लाभ हैं, बहुत ही अधिक फायदे हैं। पहला, हमारा जो बिजनेस है इसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। लोग कहते हैं कि भाई जो आदमी है इसके पास GSTIN नंबर है, यानी ये एक विश्वसनीय आदमी है, ये गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो इस वजह से हमारे जो बिजनेस है इसकी विश्वसनीयता बढ़ती है। दूसरी बात, हमारे पास अधिक ग्राहकों की पहुंच होती है, हमारा जो कंपटीशन है वो एक बड़े स्तर तक पहुंच जाता है, तो इस वजह से हमारा बिजनेस जो है वो इजिली जो है इनहेंस हो जाता है, उसका दायरा बढ़ जाता है, तो अधिक से अधिक ग्राहक हमारे पास आते हैं और हमारे विश्वसनीय बिजनेस में अपना योगदान देते हैं। इसके बाद हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त होता है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो हमारा कंसेप्ट है ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसका लाभ भी हमें GSTIN नंबर से प्राप्त होता है। ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट है कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार भी कर सकते हैं, यानी हम इंटर स्टेट अपना जो व्यापार है वो कर सकते हैं। इसके बाद हम ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ई बे, स्नैपडील आदि पर अपना व्यापार रजिस्टर करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो GSTIN नंबर लेना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है सभी दुकानदारों के लिए। नेक्स्ट है कि चलो दुकानदारों के लिए GSTIN नंबर तो चलो लाभकारी है, लेकिन ग्राहक के लिए कैसे लाभकारी है, तो ये हमें समझना होगा। इसको समझने के लिए हम अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको उदाहरण के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है। जब GST नहीं लागू था यानी ओल्ड रिजिम, ये हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। यहां पर आप देख सकते हैं कोई कार निर्माता है जिसका कोई कार बनाने का काम है, उसने 2.5 लाख रुपए में कोई कार को मैन्युफैक्चर किया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 2.5 लाख रुपए। उसके बाद उसने 20% अपना प्रॉफिट उसमें ऐड कर दिया तो उसका टोटल कॉस्टिंग आ गया हमारा 3 लाख रुपए। उसके बाद उस पर पहले के समय में एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सपोज करते हैं 10% है तो यहाँ पे 30,000 एक्साइज ड्यूटी यदि इसमें लगती है तो इसका जो कॉस्टिंग आ जाता है वो आ जाता है 3,30,000 रुपए। उसके बाद में उसके ऊपर हमारा पहले के समय में वैट लगता था जो कि हम मानते हैं कि 10% की दर से लगता था, तो यहां पर भी 10% जो है 3,30,000 का यानी 33,000 इसमें जुड़ जाता है और फाइनल कॉस्ट जो कंज्यूमर को देनी पड़ती है वो होती है 3,63,000 रुपए। ये पहले के सिस्टम की बात है। अब हम बात करते हैं वर्तमान सिस्टम की। यहां पे हम देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द कार सेम है 2.5 लाख रुपए है, इसमें प्रॉफिट जो है जो हमारा मैन्युफैक्चर ऐड कर रहा है वो 20% है 50,000 है, तो हमारा जो टोटल कॉस्टिंग आ गया वो आ गया हमारा 3 लाख रुपए। इसके बाद में इस पे एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है तो ये जीरो हो गई, वैट बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है वो भी जीरो हो गया। इसके बाद हमने फ्लैट 20% जो है
वो हमने जीएसटी लगा दिया, यानी 3 लाख का 20% यानी 60,000 रुपए हमने इस पे जीएसटी लगा दिया। और जो फाइनल कॉस्ट है जो कंज्यूमर को देनी पड़ेगी वो हो गई हमारी 3,60,000 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा कंज्यूमर को 3,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये तो केवल एक उदाहरण है, व्यवहारिक जीवन में जीएसटी आने के बाद कंज्यूमर को काफी अधिक लाभ हो रहा है और ये टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट को भी समाप्त करता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का तात्पर्य है जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसको भी यह समाप्त करने जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं जीएसटी की प्रारंभिक श्रेणी। गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो उसने कुछ जीएसटी स्लैब बनाए कि जो है कौन सा सामान किस जीएसटी स्लैब में आएगा, तो उसी जीएसटी की प्रारंभिक श्रेणी के ऊपर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो था वो आता था हमारा 0%। 0% में हमारा फल आगे, सब्जी आगे, जो सामान्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो 0% में गवर्नमेंट ने रखी है। उसके बाद 5% आ गया, 5% में हमारे आ गया जैसे स्पाइसेस आ गए, मस्टर्ड ऑयल आ गया, जो सामान्य व्यक्ति गरीब व्यक्ति सब यूज करते हैं उसको 5% यानी मिनिमम जीएसटी की श्रेणी में रखा गया। उसके बाद हमारा 12% आ गया जिसमें हमने प्रोसेस्ड फूड्स रखे हैं। प्रोसेस्ड फूड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, यानी पैकेट बंद जो फूड होते हैं उनको हमने 12% जीएसटी की श्रेणी में रखा है। उसके बाद हमारा 18% आ गया जो थोड़ा अपर मिडिल क्लास आदमी यूज करता है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स हो गए, स्मार्टफोन हो गए, तो इन पे 18% जीएसटी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी थी वो थी 28% जीएसटी की जो लग्जरियस आइटम्स पर लगती थी, यानी जो आराम देने वाले आइटम्स पर जो है लागू होती थी, जो है रिच क्लास के लोग ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कार हो गए, एयर कंडीशनर हो गए, तो उन पर गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी अप्लाई किया। और बाकी 28% से भी ज्यादा जहां पे टैक्स लगता था वो थे कुछ पदार्थ जैसे टबैको, हमारा पेट्रोलियम पदार्थ या हमारा एल्कोहल, जिनके द्वारा गवर्नमेंट को आमदनी प्राप्त होती है। तो ये हमारे जीएसटी की प्रारंभिक श्रेणी थी। इसके बाद हमने जीएसटी के बारे में काफी चर्चा की, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के क्या प्रकार होते हैं, जीएसटीआई नंबर कैसे प्राप्त करते हैं। तो इतनी चर्चा करने के बाद अब हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि भाई जीएसटी जो हमने लगाया है इसके क्या क्या लाभ हैं। इसके लाभ पर भी तो हमें चर्चा करनी चाहिए, भाई इतना बड़ा हमारा जो है रिफॉर्म है, गवर्नमेंट इसको लाई है, तो इसके कुछ लाभ भी तो होंगे। तो इसके कुछ बहुत सारे लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं, लेकिन कुछ सामान्य लाभ जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं हम उनके यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है वो है टैक्स क्रेडिट सिस्टम। देखिए होता क्या है, मान लिए कोई मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर ने कोई सामान बनाया और उसने जो है 50 रुपए जो है जीएसटी दे दिया। उसके बाद मैन्युफैक्चर से सामान गया होलसेलर पे, होलसेलर ने जो है उस पे 100 रुपए जीएसटी दे दिया। उसके बाद होलसेलर से सामान गया हमारा रिटेलर पे, रिटेलर ने 200 रुपए जीएसटी दे दिया और उसके बाद सामान जो है ग्राहक के पास जाता है। तो अब क्या होता है, टैक्स क्रेडिट सिस्टम इसमें जीएसटी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए होता क्या है, 50 रुपए मैन्युफैक्चर ने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, तो जो होलसेलर के पास सामान गया, होलसेलर 100 रुपीज देगा, तो 100 रुपीज तो उसने दे दिए, लेकिन उसको 50 रुपए जो मैन्युफैक्चर ने पहले दे दिए थे वो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जो रिटेलर है, रिटेलर ने 200 रुपए दे दिए ना टैक्स के रूप में, वो जो 200 रुपए उसने दिए उसमें से 100 रुपए उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिल जाएंगे जो होलसेलर ने पहले दिए थे। तो यानी जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ हमारा ये है कि इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम काम करता है। तो ये हमारे देश के व्यापार के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी होता है और इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती है, क्योंकि एक चेन सिस्टम होता है जो है होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चर, ये सब एक चेन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अधिक अच्छा है। दूसरा जो इसका लाभ है, टैक्स रेट पर किसी भी प्रकार की मनमानी नहीं होती है। कोई जो सामान है वो पहले क्या होता था, बिहार में उस पर अलग टैक्स लग रहा है, उत्तर प्रदेश में अलग टैक्स लग रहा है, कश्मीर में अलग टैक्स लग रहा है और अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग टैक्स लग रहा है। जीएसटी आने के बाद ऐसा नहीं है, जीएसटी आने के बाद
एक सामान पर पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा, तो टैक्स रेट पर किसी भी प्रकार की मनमानी जीएसटी आने के बाद नहीं चलने वाली। तीसरा जो है वो है हमारा कि ये जो प्रक्रिया है ये संपूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया है। जो हमारी यह प्रक्रिया है ये संपूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया है, तो ऑनलाइन होने का मतलब ये पारदर्शी प्रक्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार की घपलेबाजी नहीं चलती है। हर एक जो है इसमें जो कड़ी है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर से जुड़ा हुआ है और अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये एक ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया है। नेक्स्ट जो है इसमें उपभोक्ता को सीधा सीधा लाभ होने वाला है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट को जो है खत्म करता है, तो इस वजह से जीएसटी के द्वारा उपभोक्ता को सीधा सीधा लाभ हमारा होने वाला है और उसको जो सामान है वो कम दाम देकर मिल सकता है। नेक्स्ट ये उत्पादन को बढ़ावा देता है, ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और क्योंकि एक राष्ट्र एक टैक्स का विचार है तो सभी प्रकार से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इसमें विचार किया गया है। नेक्स्ट हमारा यह है कि इससे खर्च घटता है, इससे जो सरकारी खर्च है जो अलग अलग डिपार्टमेंट टैक्स के बनाने में लगता था, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, वो घटता है और अब एक देश है एक टैक्स है, तो इसलिए ये एक सिंप्लीफिकेशन है टैक्स सिस्टम में और इससे खर्च में जो है कटौती होती है। तो इस वजह से जो जीएसटी है वो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक रिफॉर्म है जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी सिद्ध होने वाला है, ऐसा हमको लगता है। इसके बाद हमने बहुत सारी बातें की, हमने जितनी भी बातें की हम एक बार उस पर पुनरावृत्ति करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हमने जितनी भी बातें की हैं हम एक बार उस पर दोबारा से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या बात की है। देखिए हमने बात की है कि जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा जीएसटी जो है ये संपूर्ण रूप से एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को प्रतिपादित करता है। तीसरा जीएसटी जो है ये ग्राहक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है उसको खत्म करता है। जीएसटी के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम जो है वो लागू होता है, जिससे जो है अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है। जीएसटी के लिए जो है हमको क्या करना पड़ता है, जीएसटीआईएन नंबर चाहिए, जिसके लिए हम जो है वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यदि हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो हमको 3 से 4 दिनों के अंदर अपना जीएसटीआईएन नंबर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारी जो जीएसटी की स्लैब्स हैं वो करीब करीब 5 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, जिसमें रोज यूज होने वाला जो है सामान वो उसमें आते हैं। इसके बाद 5% और 12% जो मध्यम वर्गीय द्वारा यूज होने वाले सामान आते हैं। तो उसके बाद 18% वाला जो सामान है जैसे रेफ्रिजरेटर है, स्मार्टफोन है, उसमें थोड़ा अपर मिडिल क्लास फैमिली जो यूज करती है वो आते हैं, और 28% जीएसटी उन उत्पादों पर लागू होता है जो लग्जरियस आइटम होते हैं, जैसे एयर कंडीशनर्स हो गए, कार्स हो गए, एक्सेट्रा। इसके बाद हमने देखा कि जीएसटी के हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत ही अधिक लाभ है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ही अधिक योगदान देने वाला है। तो यहाँ पे हमने पूरे टॉपिक की कंप्लीट चर्चा की है, उम्मीद करते हैं आपको ये कंप्लीट जो टॉपिक है ये अपने दिमाग में सेट हो गया होगा। इसके बाद हमने इतना बड़ा वीडियो देखा है, हमने चर्चा की है जीएसटी के हर एक पॉइंट के बारे में। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम स्वयं से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें स्वयं से पूछना है, हम देखेंगे कि क्या हम इनका जवाब दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन, जीएसटी कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार का होता है और कौन से प्रकार का जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले ऐसे क्या कमी थी जिसको सुधार करने के लिए हमें जीएसटी लाना पड़ा, तो दूसरा क्वेश्चन यह है। तीसरा क्वेश्चन कि जीएसटी किस प्रकार ग्राहक के धन को बचाता है, ऐसा जीएसटी में क्या है, कोई एक उदाहरण देकर आप बताइए कि जीएसटी किस प्रकार ग्राहक के धन को बचाता है। नेक्स्ट, जीएसटी के हमारी इकोनॉमी को
क्या लाभ है, हमारी इकोनॉमी के लिए जीएसटी किस तरीके से लाभकारी है। तो ये क्वेश्चन हम स्वयं से पूछ सकते हैं। अगर हमें इनका जवाब पता है तो यानी हमने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। इसके बाद हमने ये टॉपिक समझा, अब कुछ चीजें हम व्यवहारिक रूप से कर सकते हैं, यानी फील्ड पे जाके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, हम जाएं और देखें कि किस वस्तु पे कितना जीएसटी लगा है। जैसे हमने पेन लिया, पेंसिल ली, टी शर्ट ली, उस पर कितना जीएसटी लगा है, उस पर कितना जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, सीजीएसटी है, और कितना उसमें एसजीएसटी है यानी स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। तो ये हम देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, इसकी एक कैटेगरीज अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम क्या कर सकते हैं, हम आसपास के क्षेत्र में जा सकते हैं, दुकानदारों से मिल सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तब से उनका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनकी दुकानदारी पर क्या असर पड़ा है, क्या वे इसके लिए पॉजिटिव हैं, क्या वे इसके लिए नेगेटिव हैं और वे इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं। तो ये हम कुछ प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं जिससे टॉपिक को समझने में हमको और अधिक सहायता मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जीएसटी के इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।